फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पार्ट वन में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए सभी पेपर में। सभी पेपर्स का मतलब हो गया यहाँ पे ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी पेपर और साथ ही साथ कंपलसरी पेपर। इन तीनों पेपर में आपको पास मार्क्स कितना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि ऑनर्स पेपर क्या होता है, सब्सिडरी पेपर क्या होता है और कंपलसरी पेपर क्या होता है, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन कितने पेपर में आते हैं, सब्सिडी पेपर कितने पेपर के होते हैं और टोटल कितने नंबर के होते हैं और कंपलसरी पेपर कितने नंबर के होते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे ऊपर में आई बटन में लिंक, यहाँ पे एरो पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो फेल कितना नंबर मिनिमम लाया जाए जिससे हम फेल होने से बच सके, तो इन सारी चीज़ के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे मैं आपको कन्फर्मेशन के लिए आप बता दूँ तो वी हैव टेकन एटमोस्ट केयर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट इन्फॉर्मेशन एट PPU पटना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का ही है, तो ये एक रिजल्ट पब्लिश जब किया गया था तो उसी के रिजल्ट के नीचे में ये कुछ कंपलसरी लिखे रहता है, तो वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसके माध्यम से आप भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पास मार्क्स इन ऑनर्स सब्जेक्ट 90। तो ऑनर्स पेपर आपको पता है, ऑनर्स में जो है दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू होते हैं। तो ये दो पेपर में जो है ये 100 100 नंबर के, तो 200 नंबर हो गए, तो 200 नंबर में आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना सफिशियंट। अगर 90 नंबर आएगा तो आप जो है पास हो जाएंगे, अगर 90 नंबर से कम हो गया तो आपको जो है उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए पास मार्क्स इन सब्सिडरी सब्जेक्ट। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट आपका दो सब्जेक्ट होंगे, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स रखें तो आपके सब्सिडरी में जो है मैथ और केमिस्ट्री होगा, तो आप जो है सो सब्सिडरी दो पेपर का होगा, 100 का और 100 का। तो उस 100 और 100 में आपको 33 नंबर चाहिए सब्सिडरी में, 33 नंबर पे ये पहला सब्सिडरी पेपर है उसमें भी 33 और दूसरा जो सब्सिडरी पेपर है उसमें भी 33 नंबर आपको कंपलसरी लाना ही होगा, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आपको मिनिमम 33 नंबर आपको लाना है सब्सिडरी पेपर में। उसी तरह कंपलसरी पेपर की देखें तो कंपलसरी पेपर जो हिंदी इंग्लिश होती है तो उसमें भी आपको 33 नंबर लाना सफिशियंट है पास होने के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ पास होने की बात कर लें, फर्स्ट सेकंड डिवीजन की बात नहीं करते हैं, नहीं किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सिर्फ पास होने की हम बात करते हैं, तो उससे आप फर्स्ट डिवीजन समझ सकते हैं। 500 नंबर टोटल, 500 की एग्ज़ाम होती है तो 300 से अब तो फर्स्ट डिवीजन हो गया टोटल। उसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल के 60% से अबव है तो आप फर्स्ट डिवीजन हो जाइएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पास वाले को बता रहा हूँ पास होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट पे नीचे में पास लिखा होगा, तो पास इफ़ स्टूडेंट्स पासेज इन ऑल सब्जेक्ट, अगर इस सारे सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो आपके रिजल्ट शीट पे पास लिखा जाएगा। अगर आप देखिए आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स पे प्रोमोटेड लिखा जाता है, तो इफ़ स्टूडेंट्स फेल इन टू सब्जेक्ट, अगर कोई स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो उसके मार्कशीट पे जो है लिखा जाता है प्रोमोटेड। तो प्रोमोटेड का मतलब हो गया कि आपका जैसे आप दो सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, मान लीजिए आप ऑनर्स सब्जेक्ट में भी फेल कर गए हैं, पास एक सब्सिडरी पेपर में भी फेल कर गए हैं, तो आपका एडमिशन जो है पार्ट टू में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है, आपको पार्ट टू में एडमिशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट में आप फेल किए हैं उसका भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। पार्ट टू का एग्ज़ाम जब आप देने लगिएगा तो उसमें ये दो पार्ट वन का जो जिसमें आप फेल किए हैं वो पेपर भी आपको उसमें अटैच कर दिया जाएगा, वो पेपर का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा पार्ट टू के साथ साथ ही। तो इसका मतलब प्रमोटेड हो गया। वहीं फेल कब होता है स्टूडेंट, जब इफ स्टूडेंट 3 or more than, अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, अगर ये कट ऑफ को अगर आप पार नहीं किए हैं 90 33 33 वाले कट ऑफ को, अगर 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको बैक लग जाएगा और आपको फिर से पार्ट वन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक साल आपको पीछे कर दिया जाएगा। तो अगर आप दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपको जो है एक चांस दिया जाएगा, पार्ट टू में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको पार्ट वन में जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो उसका भी एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपको टोटल डिटेल, जिससे आप पता कर सकते हैं आपको कितना नंबर चाहिए पास मार्क्स ऑनर्स में, पास मार्क्स सब्सिडरी में, और कितना कंपलसरी में। आई होप कि आपको सब सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय।